वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से देखेंगे कुछ डिफिनेशंस और उसे याद करने की ट्रिक। ऑलरेडी दो दो तीन वीडियो आ चुकी है इस पर, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है इस टॉपिक को, तो फिर से हम डिफिनेशंस को कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज आती रहेगी। जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे ये सीरीज आती रहेगी। और कोशिश ये है कि जितने भी मतलब डिफिनेशंस हैं उस सबको मैं ट्रिक के माध्यम से जितने भी हैं सबको याद करा दूं, ठीक है? चलो चलते हैं। डिफिनेशन नंबर वन है कि धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। देखो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि धर्म केवल सुनने और मान लेने की चीज़ नहीं है। बात तो सही है, धर्म किसी से सुन के और उसको मान लेने की तो चीज़ है नहीं। धर्म को हम बुद्धि से परखते हैं, अपनी विवेक से परखते हैं, फिर उस पर विश्वास करते हैं। तो क्या रहा है? विवेक। और विवेक किसके पास होगा सबसे ज़्यादा? विवेकानंद के पास। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं आप? यानी धर्म केवल सुनने और मान लेने की चीज़ नहीं है, धर्म को हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। और विवेक सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? स्वामी विवेकानंद के पास। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह कथन किसका है? यह है जे एच हट्टन का। इसको गौर से देखो ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज जो है अनेक पृथक पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है जाति के कारण। बात तो सही है ये भी। अभी हमारे समाज में देख लो, जाति की वजह से ही तो सब अलग अलग हैं, पृथक हैं। तो ये देखो जाति की वजह से एक दूसरे से हटे हुए हैं, है कि नहीं? जाति की वजह से एक दूसरे से हटे हुए हैं, पृथक पृथक हैं। तो ये देखो यहाँ हट्टन है ना, तो इसमें ये हट एक दूसरे से हटे हुए हैं रहते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हो हट्टन, जी एच हट्टन। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। यह कथन है ईबी टॉयलर का। अब तुम देखो, मान लो कि दो बच्चे हैं, ठीक है? अब छोड़ो इस एग्जाम्पल को, छोड़ो मैं कुछ किसी और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आजकल क्या है देखो कि धर्म के नाम पर लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे बच्चे जो है टॉय के लिए लड़ते हैं। टॉय मतलब खिलौने, किस चीज़ के लिए? टॉय के लिए। और क्या करते हैं? लड़ते हैं, है ना? टॉय के लिए लड़ते हैं कैसे? धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पर ऐसे लड़ रहे हैं लोग जैसे बच्चे टॉय के लिए लड़ते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास के लिए है कि आप अध्यात्म में बिलीव करो, आप स्पिरिचुअल बनो, ना कि बच्चे की तरह जैसे खिलौने के लिए लड़ते हैं बच्चे वैसे आपस में लड़ते रहो। तो इसे आप याद रख सकते हो, टॉय लर, यानी इसको टॉय मीन्स खिलौना, यानी जैसे बच्चे खिलौने के लिए लड़ते हैं तो ऐसे टॉय लर, यानी इससे टॉय लर बन रहा है, देखो। ठीक है, याद रख पाओगे? यानी ये हुआ कि जैसे कुछ लोग लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पे, ठीक है? जैसे बच्चे जो है, देखो ये बी है ना, तो ऐसे कर सकते हो कि बी यानी बच्चे खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, टॉय के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर ये ई देखो, यानी ईश्वर आके इनको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास के लिए है, ना कि लड़ने के लिए। आ गया समझ में? ई बी ट्वाइलर पूरी तरीके से इससे। चलो अगले पे चलते हैं। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा। धीरे धीरे अगर कोई जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैव ए नाइस डे या गुड डे, ठीक है, निकल ले आगे। ये तो बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं।
एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। देखो, एक संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं, कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, कम से कम 30-40 लोग भी रह सकते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि रोमांचक समूह तो जरूर है। अब मान लो जिस फैमिली में 3-4-5 लोग हैं तो उसमें क्या ही रोमांच होगा, लेकिन अगर जहाँ 30-40 लोग हैं वहाँ तो रोमांच हमेशा बना ही रहता है। लेकिन इसी के कारण, अधिक लोगों के होने के कारण क्या होता है, आपस में कड़वाहट भी होती है, कभी किसी के साथ लड़ाई, कभी किसी के साथ लड़ाई, तो रिश्ते में कड़वाहट भी थोड़ी बहुत देखी जाती है संयुक्त परिवार में। तो कड़वाहट से आप याद रखोगे कड़वे, यानी रिलेशन क्या होते हैं उनके बीच, कभी कभी संयुक्त परिवार में कड़वे रिलेशन होते हैं, ठीक है, इसे याद रख सकते हो, इरावती कड़वे, यानी संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए रोमांचक समूह है। किसका कहना है, इरावती कड़वे का। चलो अगले देखते हैं। देखो, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये कथन किसका है। चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इसका जो ट्रिक है ना, आप मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, वो जो है अभी कुंवारा है और वो गर्ल्स हॉस्टल के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है भरी दोपहरी में, जून जुलाई की गर्मी में, ठीक है। अब क्या हो गया कि चक्कर लगाते लगाते सब लोग उसको मना कर रहे हैं कि देखो लड़कियों के पीछे मत भागो मत भागो, वो सुन नहीं रहा है। वो जून जुलाई की इतनी तेज भरी धूप में भी क्या कर रहा है, वो चक्कर लगाते जा रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या हो गया, लू लग गया। क्या हो गया उसे, लू लग गया, और लू के कारण क्या हो गया, फीवर आ गई उसे, और फीवर के कारण वो थर थर कांप रहा था। क्या हो रहा था, थर थर कांप रहा था। फिर उसका क्या किया गया कि कुछ लोगों ने जब इसको देखा ये हालत, कि ये जैसे लू लग गया फिर ये फीवर से थर थर कांप रहा था, तो घर के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दिया कि क्यों ना इसको जो है उसी गर्ल्स कॉलेज जो है उसी की एक लड़की से शादी करा दी जाए इसकी। तो फिर इसका विवाह करा दिया गया, ठीक है, विवाह करा दिया गया। अब क्या, विवाह के बाद जो है ये दोपहर को जाना छोड़ दिया, अब ये घर में ही रहने लगा। तो फिर इससे क्या निष्कर्ष निकला कि विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ये बेचारा बीमार था, लू लग गई थी, फीवर हो गया था, फिर इसकी विवाह करा दिया गया इसका, और जो है ये सही हो गया, तो इसके लिए तो अस्पताल हो गया ना विवाह। याद रख पाओगे, लू थर, यानी विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ठीक। अब देखो, आण्विक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया, यह है जीमर मैन, ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे। देखो, जो आण्विक परिवार और गृहस्थ परिवार को अलग करे, वो जिंदा क्यों है, उसको बोलो कि तुम जिंदा क्यों हो, उसके लिए जी जिंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं गए, यानी मर, और वो उस आदमी को तुम बोल रहे हो ना, तो इसमें लगा दो मेन। जो दोनों परिवार को अलग कर रहा है वो जिंदा क्यों है भाई, मर क्यों नहीं गया, और उस आदमी को बोल रहे हो, तो जीमर मैन, यानी याद रख लोगे इसे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार की ट्रिक के साथ। आप फिर से बताना ये कैसा लगा ये वीडियो आपको, ठीक है, तो चलो टेक केयर।